अमाल दो बाप और उसकी अमाल दो बाप और उसकी 38 आयत से हम पढ़ते हैं। पत्रस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों से माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम रूह कुदस इनाम में पाओगे। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने जाने में खुदावन की बरकत हो। मेरे अजीजो, खुदा के कलाम के अंदर हमने इस वर्सेस को पढ़ा है। पत्रस ने उनसे कहा कि तौबा करो। पहली बात, आज खुदा का कलाम हमसे फरमाता है कि तौबा करो, हर एक अपने अपने गुनाहों की माफी की मांगे। क्योंकि जब हम बपतिस्मा लेने वाले होते हैं तो इसके पहले हमें इस बात की जरूरत है कि हमें जानना चाहिए कि बपतिस्मा है क्या, बपतिस्मे का मतलब क्या है, हमें क्यों लेना चाहिए बपतिस्मा, जिसका लफ्जी मायने डूबना या डुबोना, गोता देना, इसका यह मतलब बनता है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन बपतिस्मे के हमारे मुआशरे के अंदर बहुत सी चीजें जो हैं वो सामने लाई जाती हैं। कोई किसी को छटा लगा के बपतिस्मा देता है, कोई किसी को झंडे के नीचे घुसा कर बपतिस्मा देता है। लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर आज जो बात मैंने और आपके सामने रखी है कि हमें पानी से बपतिस्मा लेना है, हमें इसकी जरूरत है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस इस बात की तस्दीक करती है। यूहन्ना 3 बाब और उसकी 5वीं आयत में यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल ना हो सकेगा। मेरे अजीजो, जब तक हम पानी से बपतिस्मा नहीं लेते हम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते, हम खुदा के साथ ताल्लुकात कायम को नहीं रख सकते, हम खुदा के साथ मुखलस नहीं हो सकते। क्योंकि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमारा राब्ता डायरेक्टली बाप के साथ, यीशु के साथ हो जाता है। फिर हम ईमान लाने वालों के दरमियान मौजूद होते हैं, अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं, और इससे भी यीशु मसीह फरमाता है कि मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। आज हम मैं एक बात आप लोगों से पूछना चाहता हूं, बाइबल मुकद्दस क्या है, बाइबल मुकद्दस क्या है? अगर हम यूहन्ना की किताब और उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत में देखते हैं तो वहां पर लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा है। लेकिन इससे भरकर एक बात और, खुदा ने मुकाशफा की किताब के अंदर हम लोगों पर जाहिर कर दी है। मुकाशफा की किताब उसका 19 बाब और उसकी 13 आयत में लिखा है, और वो खून की झड़ी हुई पोशाक पहने हुए है और उसका नाम कलाम खुदा कहलाता है। यानी कि जब खुदा का कलाम खुलता है, जब खुदा की आवाज हम लोगों तक आती है तो इसका मतलब है कि खुदा हमारी जिंदगियों में बड़े बड़े काम करना चाहता है।
कलाम खुदा अमूज के जरिए हमें फरमाता है कि खुदा तब तक कुछ नहीं करता जब तक अपना भेद अपने बंदों पर अपने नबियों पर आशिकारा ना कर दे। आज मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर आज खुदा ने इस भेद को जाहिर करना है और वो कलाम खुदा हम लोगों से फरमाता है कि आप अपने गुनाहों से तौबा करें, माफी मांगे, बपतिस्मा लें, नए सिरे से पैदा हो। कलाम खुदा के अंदर कलाम खुदा पहला ग्रंथियों कलाम खुदा पहला ग्रंथियों 10 बाब और उसकी पहली आयत में यूं फरमाता है, ए भाइयों मैं तुम्हारा इससे नावाकिफ रहना नहीं चाहता कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समंदर में से गुजरे और सब ही ने इस बादल और समंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया। मेरे अजीजो आज खुदा का कलाम कलाम खुदा हमारी जिंदगी में फरमाता है कि हमारे बाप दादा ने में जिस तरह मूसा से बपतिस्मा लिया हमें भी लेने की जरूरत है, क्योंकि जब वो मिस्र की गुलामी के अंदर थे उन्होंने अपने बंदा मूसा को चुना। कलाम खुदा ने अपने बंदा मूसा के जरिए बड़े बड़े मौजज़ात किए। कलाम खुदा ने अपने बंदा के जरिए मुल्क मिस्र के अंदर बड़ी बड़ी आफतों को नाजिल कर दिया। उस वक्त तक खुदा ने उनसे कोई ऐसी बात नहीं कही, लेकिन जब वो समंदर के पास पहुंचे, जब वो पानी के पास पहुंचे तो कलाम खुदा ने मूसा के जरिया लोगों से कहा कि चुपचाप खड़े रहो, आज शाम तुम खुदावन की नजात के काम को देखोगे और जिन मिस्रियों को तुम अपनी जिंदगी में देखते हो उनको आज के बाद कभी ना देखोगे। ये बात मिस्र के अंदर नहीं थी, ये बात जब खुदा ने अपने बंदा मूसा के जरिए बड़े बड़े मौजज़ात किए तब नहीं कही, बल्कि जब वो पानी के पास पहुंचे, समंदर के पास पहुंचे तो उस वक्त कलाम खुदा ने अपने बंदा मूसा के जरिए एक बात को फरमाया कि चुपचाप खड़े रहो, आज शाम तुम खुदावन की नजात के कामों को देखोगे। नजात को हासिल करने के लिए, नए सिरे से पैदा होने के लिए हमें पानी में से गुजरना होगा। जिन मिस्रियों को वो देखते थे जब वो पानी के बीच में से गुजरना शुरू हो गए तो उनके पीछे समंदर के अंदर उनके पीछे दुश्मन की फौजें भी चलना शुरू हो गई, लेकिन जब वो समंदर को पार कर चुके तो कलाम खुदा ने समंदर के अंदर उन सारी फौजों को जो उनका पीछा करती थी उनको गर्क कर दिया। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, जब हम खुदा के रास्तेबाजी को पूरा करते हैं तो फिर हमारे पीछे अब्लीस की कुवतें, अब्लीस के बंधन, जुए, मुसीबतें, परेशानियां, गम, दुख, तकलीफें जो हमारा पीछा करती हैं, जब हम पानी के अंदर डुबो जाते हैं, जब हम पानी में से गुजर जाते हैं तो वो
वहां पर नेस और नाबूद हो जाती है, वो हमारा पीछा करने वाली बीमारियां, परेशानियां, गम, दुख, तकलीफें वो उस पानी के अंदर गर्क हो जाती है, फना हो जाती है, मर जाती है। लेकिन जब हम उस पानी में से निकलते हैं तो मसीह यीशु के साथ हम जी उठते हैं। हालेलुया, क्रमे खुदा आज फरमाता है कि अगर आपकी जिंदगी में तौबा नहीं हुई, आपने तौबा नहीं की है, अपने गुनाहों की से माफी हासिल नहीं की है, आपने पानी से बपतिस्मा हासिल नहीं किया है, आज वक्त है आप पानी का बपतिस्मा ले ताकि आप अच्छे हो जाएं, ताकि आपकी बीमारियां जाती रहे, आपके पीछे अब्लीस की कुवतें जो लगी हुई है वो फना हो जाए, कड़क हो जाए, जिस तरह मिस्र के अंदर से निकलते हुए बहे कुलजम के पीछा करते हुए उनका पीछा कर रही थी फौजे, और उस वक्त वो समंदर में गर्क हो गई। आज जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो आपका पीछा करने वाली तमाम अब्लीस की कुवतें नेस और नाबूद हो जाती हैं। मेरे अजीजो, हमारी जिंदगी के अंदर बपतिस्मा लेना बहुत अहम है। हमारी जिंदगी के अंदर बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं हम खुदा के बेटे बेटियां बन जाते हैं। खुदा क्रम में खुदा यूं फरमाता है कि जितनों ने मुझे कबूल किया मैंने उनको खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्श दिया है। जितने उस पर ईमान लाते हैं और ईमान लाने वालों के दरमियान बड़े बड़े मौसात होते हैं, वो बीमार पर हाथ रखते हैं तो अच्छे हो जाते हैं, उनकी जिंदगियां बहाल हो जाती हैं, उनकी जिंदगियों के अंदर खुशहाली आ जाती है। कलाम खुदा अतुष्णा था इस बात में यूं फरमाता है, अगर तू मेरी बातों को जाफशानी से मानकर उन हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझे देता हूं इख्तियार से अमल करे तो दुनिया की सब कौमों से ज्यादा मैं तुझे सरफराज करूंगा। हालेलुया, जब हम खुदा की राजसभाजी को पूरा करते हैं, जब हम खुदा के नाम के उसके कलाम को पूरा करते हैं तो खुदा हमारी जिंदगी के अंदर बहाली पैदा करना शुरू कर देता है, हमारी जिंदगी में बरकत आना शुरू हो जाती है, और जिन बीमारियों को, परेशानियों को, गमों को, लानतों को, नाफरमानियों को आप अपनी जिंदगी के अंदर देखते हैं, जब आप खुदा की राजसभाजी को पूरा करते हैं और यीशु के नाम से बपतिस्मा लेते हैं तो वो आपका पीछा करने वाली फौजें फना हो जाएंगी। यह हमारे लिए एक बड़ी बहस से बरकत बात है। खुदा के कलाम के अंदर खुदावन खुदा यूं फरमाता है अपने बंदा मती मरकत लुका अंजील के जरिया से हमें यूं फरमाता है कि जब यीशु मसीह छोटा था और वो खुम हो गया, उसके मां और बाप, बहन भाई, उसके रिश्तेदार उसे ढूंढते हैं, और जब वो हैकर के पास जाते हैं वहां पर वो बड़े बड़े आलमों में, बड़े बड़े उस्तादों के दरमियान वो बैठा उनके साथ गुफ्तगू कर रहा था, तो उसमें से उसकी मां ने कहा मैं और तेरा बाप हम तुझे ढूंढते हैं, और यीशु मसीह ने उनसे बड़ी खूबसूरत बात कही कि मेरे मां और बाप, बहन भाई वो हैं जो मेरे
खुदा की आवाज को सुनते हैं, जो मेरे कलाम की आवाज को सुनते हैं, जो मेरे बाप के साथ मुखलस है, आज मेरी और आपकी जिंदगी में खुदा एक बात को कहता है कि तौबा करें, वक्त नजदीक है। अब्लीस भागने वाले भेड़िये की मदद हमारा पीछा कर रहे हैं, मुसीबतें, वबा, परेशानियां, गम, दुख, तकलीफें हमारा पीछा कर रही हैं। हमें नजात को हासिल करना है। जब यीशु मसीह पैदा होने वाले थे तो जिब्राइल फरिश्ते ने मकदसा मरियम के पास जाकर यूं कहा कि तेरे यहां एक बेटा पैदा होगा और वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। नजात हमारे खुदा के पास है, यीशु के पास है। मेरे अजीजो, एक कहावत है, क्या वक्त कभी हाथ नहीं आता। गुजरा हुआ वक्त कभी हाथ नहीं आता। अगर आज आपने बपतिस्मा नहीं लिया तो आज आप अपनी जिंदगियों के अंदर इस बात का अहद कर ले कि हमने बपतिस्मा लेना है। हमने आज अपनी पुरानी इंसानियत से, अपनी पुरानी चाल चलन से, अपने गुनाहों से हमने खुरूज करना है। जिस तरह इसराइल मुंह के मिसल से बाहर निकले, आज आपने भी इनमें से बाहर निकलना है। और बाइबल मुकद्दस कलाम खुदा यूं फरमाता है कि जब तक हम पानी से और रूह से बपतिस्मा नहीं लेते, तब तक हम खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं हो सकते। बनी इसराइल कौम भी जब पानी में से गुजरना था तो उन्होंने पानी में से गुजरने के बाद उस वादा की हुई सरजमीन में दाखिल होना था। इसलिए जरूरी था कि वो पानी में से गुजरते। यहां पर छटा लगाने की बात नहीं हो रही, यहां पर झंड के नीचे से गुजरने की बात नहीं हो रही, बल्कि पूरी की पूरी बॉडी को, अपने बदन को हम लोगों ने उस पानी में से गुजारना है। क्योंकि इंसान जब मरता है तो वो पूरे तौर पर सर से लेके पांव के तलवे तक उसको दफनाया जाता है। इसी तरह जब हम पानी में डुबोए जाते हैं, पानी में हम गोता देते हैं, तो हम अपने गुनाहों के एतबार से मर जाते हैं, और जब हम उनको उठाते हैं तो वो जलाल में मसीह यीशु के नाम से जी उठता है। वो अपनी नई कुवत, नई ताकत, नया जोर, नई सोचों के साथ, नई खुशियों के साथ, नई बरकतों के साथ वो जलाल में उठता है। कुछ बहन भाई बपतिस्मा लेने के बाद अपनी खिदमत को सौंप कर देते हैं, कुछ बहन भाई अपने खिदमत को आगे नहीं बढ़ाते। वो जब आजमाइश में डाले जाते हैं, उन पर जब आजमाइश आती है बपतिस्मा लेने के बाद, जब वो आजमाइश में पड़ जाते हैं, तो वो फिर दोबारा अपनी पुरानी इंसानियत में वापस चले जाते हैं। मेरे अजीजो, यूहन्ना बपतिस्मा लेने देने वाला भी
जब बपतिस्मा दे रहा था तो यीशु उसके पास आया और यीशु ने जब उससे कहा कि मुझे बपतिस्मा दे तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि तेरे अंदर कोई गुनाह नहीं है, तुझ में कोई नाराजगी नहीं पाई जाती। लेकिन यीशु मसीह उसे बड़ी खूबसूरती से एक बात बोलते हैं कि ये रास्तबाजी को पूरा होने दे। जब हम रास्तबाजी को पूरा करते हैं, हम खुदा की बादशाह में दाखिल हो जाते हैं, हम शाही कहनों के फिरका में से शामिल हो जाते हैं, हम खुदा के बेटे बेटियां बन जाते हैं और फिर खुदा हमारी जिंदगियों में बड़े बड़े मौजजात करता है। बाइबल मुकद्दस के अंदर अब्रानियों की किताब और उसका 10 बाब उसकी पहली आयत से हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि मूसा भी उस पानी में से गुजरा। हर एक को जरूरत है कि पानी में गुजरना है। कुछ लोग इस चीजों पर बड़े बड़े सवालात करते हैं। उनका अपना एक सवाल होता है, उनकी अपनी एक सोच होती है, वो कलामे खुदा को नहीं जानते, वो कलामे खुदा के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर नहीं करना चाहते। लेकिन जो कुछ उनको अपनी जात के लिए अच्छी बात लगती है वो उसी चीज को लेकर दूसरे खादमों के साथ बहस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मुबारक है वो लोग जो इस किताब को कलामे खुदा को पढ़ने सुनने और उस पर अमल करने वाला मुबारक है। बाइबल मुकद्दस अपनी तस्दीक आप करती है। हम उसके बेटे बेटियां हैं, हम उसके गवाह हैं। हम अपने गुनाहों से माफी मांगे तो वो हमें माफ करता है। लेकिन फिर वो यूहन्ना की मार्फत यूं फरमाता है के पास अपने गुनाहों से तौबा करो और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। फिर आगे एक बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं, हमारे 2 बाप में जब आप बपतिस्मा ले लेते हैं तो यीशु मसीह के जी उठाए जाने के बाद इब्तदाई कलीसिया का आगाज ईद पेंटिकोस्त के दिन हुआ, जब वो दुआ कर रहे थे और पतरस के अंदर दलेरी पैदा हो गई और वो खड़ा हुआ और उसने कहा बस तौबा करो और अपने गुनाहों से माफी के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम रूह कुदस इनाम में पाओगे। हालेलुया। आज जितने बेटे बेटियों को जरूरत है कि रूह कुदस उनकी जिंदगी के अंदर आए, काम करे, उनके साथ सुकूनत करे, उनके साथ बातें करे, तो आपको कलामे मुकद्दस के अंदर उसकी बात को मानना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगियां बहाल हो जाए, कलामे खुदा आशीष ना था इस बाप में यूं फरमाता है कि मैं दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझे सरफराज कर दूंगा।
गुलामे खुदा यू फरमाता है, मुझसे मांग मैं कौमों को तेरी मराज और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्श लूंगा। हालेलुया, ये मेरी और आपकी जिंदगी के लिए गिफ्ट है। जब हम उसके उन बातों को, खुदा की आवाज को सुनते हैं और कबूल करते हैं, हम अपने गुनाहों से फिरकर खुदा के साथ रابطہ करते हैं, खुदा के साथ मेल मिलाप करते हैं, खुदा के साथ हम एक हो जाते हैं, तो फिर खुदा हमारी जिंदगियों को बरकत देता है। अब्रानियों की किताब है उसका 12 बाप और उसकी 13वीं आयत में यूं लिखा है, क्योंकि हम सब ने ख्वा यहूदी हो ख्वा यूनानी ख्वा गुलाम ख्वा आजाद एक ही रूह के वसीला से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही रूह पिलाया गया। हालेलुया। यहां पर खुदावन खुदा अपने बंदा के जरिया हमें यूं फरमाता है कि एक ही रूह के वसीला से एक बदन। यह किस बदन की बात करता है? यह किस बदन की बात कर रहा है? मसीह कलीसिया का सर है और बदन उसकी कलीसिया है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम एक कलीसिया की बदन की सूरत में मिल जाते हैं, एक बदन हो जाते हैं। हम मसीह यीशु के बदन में एक हो जाते हैं। पास्टर, बिशप, साहबान, खुदा के बेटे बेटियां यीशु के नाम से बपतिस्मा देते हैं, वो आपको गुनाहों की माफी से तौबा की मुरादी के लिए नजात के लिए पानी का बपतिस्मा देते हैं, लेकिन रूह का बपतिस्मा खुदा देता है। इसलिए कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो एक बदन हो जाते हैं, हम कलीसिया का हिस्सा बन जाते हैं, हम मसीह की कलीसिया बन जाते हैं, कलीसिया मसीह की दुल्हन बन जाते हैं। आज मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर वक्त है, मेरी और आपकी जिंदगी में खुदा का कलाम खुला है। खुदा उन खुदा यूं फरमाता है कि जिन मिस्रियों को आज तुम देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। अगर आप बीमार हैं, अगर आप परेशान हैं, अगर आप गम के अंदर हैं, अगर आप दुख के अंदर हैं, अगर आपकी जिंदगी के अंदर रुकावट है, नाकामी है, ना अमीदी है, तो आज आपको मसीह यीशु के नाम से पानी से बपतिस्मा लेना है और उनको फना करना है, कड़क करना है, उनको मार मिटाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो जिनको आप देखते हैं उनको फिर कभी ना देखोगे। और जिन बेटे बेटियों ने बपतिस्मा लेकर अपनी खिदमत को सौंप कर दिया है, तो आज खुदा का कलाम आपको फरमाता है कि देख कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। आपने
अगर मसीह यीशु की मोहब्बत को छोड़ दिया है तो वही से स्टार्ट करें जहां से आपने छोड़ दिया है। खुदा आपको बरकत देगा और आपकी जिंदगी बहाल हो जाएंगी। अगर आप कामयाबी को देखना चाहते हैं, इकबाल मंदी को देखना चाहते हैं, तो खुदा के कलाम के अंदर, यशवा की किताब के अंदर यू लिखा है, तशरीयत की यह किताब तेरे मुंह से ना तले, बल्कि तुझे दिन और रात इसी पर ध्यान रहे, तब तुझे इकबाल मंदी और तू खूब कामयाब होगा। हालेलुया। मुझे कभी कभार बड़ी तकलीफ होती है इस बात के लिए कि कुछ खादमीन अपने क्लिसिया के लोगों को बपतिस्मा देते हैं लेकिन उनका प्रॉपर उनकी देखभाल नहीं कर पाते और उसकी वजह से वो भटक जाते हैं और वो अपनी पुरानी इंसानियत में फिर वापस लौट जाते हैं। तमाम खादमीनों से गुजारिश है कि आप जब भी अपनी क्लिसिया को बपतिस्मा देते हैं तो उनकी प्रॉपर, जो जिस तरह एक बच्चा पैदा होता है हम उसको चूमते हैं, उसको उसकी देखभाल करते हैं, उसकी परवरिश करते हैं, उसके दूध का ख्याल रखते हैं, उसकी खुराक का ख्याल रखते हैं, इसी तरह जब एक शख्स नए सिरे से पैदा होता है हमें भी चाहिए कि हम भी उसका इसी तरह ध्यान रखें जैसा एक बच्चा पैदा होता है। उसके रोने की आवाज से हमें पता चले कि हमारे बच्चे को क्या किस चीज की जरूरत है। आज मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर खुदावन खुदा बहुत बहुत बड़े काम करना चाहता है। आज अगर आप, मैं इस चीज के लिए माजरत से कहता हूं कि किसी ने अगर पानी से बपतिस्मा लिया है बचपन से तो वो प्रॉपर जो बपतिस्मा बाइबल मुकद्दस के अंदर बात कही गई है उसके मुताबिक अपने लाइफ को उस शेज में से गुजारे, खुदावन आपकी जिंदगी के अंदर कभी मुश्किलात को आने नहीं देगा। क्योंकि जिस जिंदगी के अंदर यीशु मसीह आ जाते हैं, जिस जिंदगी के अंदर यीशु मसीह का रूह आ जाता है, उस जिंदगी के अंदर कोई मुश्किलात, गम, दुख, तकलीफें ठहर नहीं सकती, क्योंकि इन सब से बड़ा हमारा खुदा है। आज हम जिंदा खुदा के बेटे बेटियां हैं, उसकी बादशाही के वारिस हैं, हम उसके शाही कहनों के फिरका में से है, हमारा ताल्लुक आम नहीं है, हम आम लोग नहीं है, बल्कि हम खुदा के चुने हुए लोग हैं, हम खुदा के बेटे बेटियां हैं, हम खुदा के साथ मुखलिस हुए हैं, उसने मेरे और आपके लिए अपने खून को बहा दिया है और हम आज उसके नाम से कहलाते हैं। आज खुदावन आप सबको बड़ी बरकत देने को है। लेकिन यूहन्ना आपकी जिंदगी के अंदर आपको जवाब देना चाहता है, बस अपने गुनाहों से तौबा करें और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें और रूहुल कुदस आपकी जिंदगी के अंदर आएगा और आपको बरकत देगा, आपकी जिंदगी बहाल होंगी, आप सरफराज होंगे, आप कामयाब होंगे, जिस काम को हाथ लगाएंगे उस काम में खुदा आपको बरकत देगा, आप अंदर आते वक्त और बाहर जाते वक्त मुबारक होंगे, आपकी औलाद मुबारक होगी, आपका कारोबार मुबारक होगा, आपकी मुश्किलात हल हो जाएंगी और सबसे बरकत बात यह है कि आप कर्ज लेने वाले नहीं बल्कि कर्ज देने वाले होंगे। खुदा आप सबको
बड़ी बरकत दे, खुदा उनके कलाम के पढ़े और छुने जाने में खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। हालेलुया, प्रेज 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 द लॉर्ड, प्रेज प्रेज प्रेज, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद पास्टर जी, व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्ड यू प्रीच्ड। खुदावंद आप सबको बहुत बहुत बरकत दे, खुदा के खादिम के लिए जिन्होंने एक अच्छे तरीके से कलाम की खिदमत की। एनी क्वेश्चन? अगर तुसी सवाल ना पूछा तो सवाल मैं पूछना तो तुसी जवाब देना, इससे पहले तुसी पूछो। नो, ओके, एवेंजलिस्ट हीना परवेज जी। प्रेज द लॉर्ड, शालोम एवरीवन। बहुत बाबरकत मैसेज था।